सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कविता और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल कविता ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए अभी शाम का समय 5 बजने वाला है तो आप सबको गुड इवनिंग। देखिए अभी घूम रही है जिमी, पीछे जाओ यार जिमी। तो जिमी पूरा मस्ती कर रही है, अभी उसको बिस्किट देने वाले हैं, वो खाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कविता और मैं कुछ अनमोल बातें और जीवन को खुशियों से भर दे और मन को सुकून मिले ऐसी बातें मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो यदि जीवन में आपको लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का यूज़ करना, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज़ बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज़ अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता है उसे स्वीकारिए और जो स्वीकारा नहीं जा सकता है उसे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वो है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई अस्थाई सुंदरता नहीं होती, अस्थाई सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस ब्लॉगिंग को शुरुआत करते हैं। और देखिए हमारी जिमी शुभम के साथ खेल रही है। जा बेटा जा, जा दीदी बैठी है पढ़ने जाओ। बना है रोटी, बना गाय दूध के लिए। दीदी पढ़ रही है, जा तो पढ़ो, चलो गलो उठाओ उठाओ, फिर कल आएंगे, कल दिखाएंगे मोबाइल। तो हमारा तड़का रोटी तैयार है और स्वीटू खाना स्टार्ट कर दी है। और बाबू इधर देखिए अपना सारा कॉपी बॉक्स सब कुछ अपना समेट रहा है, इसका छुट्टी है स्कूल, इसलिए बैग खाली किया है।